पुलिसकर्मियों से विश्वास ही उठ गया पब्लिक का, जो विश्वास होता कि हाँ जी पुलिस कम सब कंट्रोल कर लेती सारे लड़ाई दिख रहे, उस चीज़ से पब्लिक का विश्वास उठ चुका है बिल्कुल भी। हम तो अब आज भी ये सोचते हैं हम रात कैसे बिताएंगे, आने वाली कल वाली रात कैसे बिताएंगे और कैसे आगे संतुष्ट हो पाएगा सारा मामला। कपिल मिश्रा जो आए थे ना, उनके भाषण में उन्होंने कहा कि भाई अगर डोनाल्ड ट्रंप जब तक यहाँ पर हैं, जब तक आपने नहीं उठाया इनको, तो उसके बाद हम उठाएंगे। और उसके थोड़ी ही देर बाद में लोग आए और लाठी चार्ज करने लगे और लोग हमारी औरतों को मारा पीटा, वो भी बहुत घायल हुई चांदबाग के अंदर। हमारी मस्जिदें क्यों तोड़ी जा रही हैं, हिंदू भाइयों से यही गुजारिश है हमारी कि उनके मंदिर हमारे एरिए के अंदर हैं और उनके मंदिरों को हमने महफूज रखा है, ठीक है जी, बिल्कुल सेम ऐसे के ऐसे ही हैं। और उनके उनके जो जितने भी पूजा करने वाले हैं पंडित हैं, उनके घर हैं, उनको हमने महफूज रखा है और उन लोगों ने हमारी मस्जिदों पे हमला करा है। पहले तो वो बाउंड्री के साथ आते हैं और उन्होंने एक गोला फेंकते हैं, गोला फेंकने के बाद नहीं ये नहीं मालूम कैसे आंसू गैस का था, हमारे गले तक कड़वे हो गए हैं उस बीच में। और फिर उसके बाद में उस वहाँ धुआं होने के बाद में उन्होंने उस धुएं की ओट में गोलियाँ चलाई दबा कर, जो है कि एक्सपायर भी हुए हैं, घायल भी हुए हैं और बहुत बुरी दुर्दशा में हुए हैं। हमें इतना मालूम है कि बेचारों की उनकी जैसे तैसे करके हमने उनको उठा के मेयर नर्सिंग होम में भी डाला है। तीन दिन तक कोई सुनवाई नहीं हुई थी, केजरीवाल जी आए हैं जब उनके उससे वो बार खूब इन्फॉर्म किया था। यहाँ के SHO साहब जो हैं वो कभी कहते थे कि हमारा कॉन्स्टेबल मर गया है, मैं वहाँ हूँ कि मेरा सिर फट गया है, मैं वहाँ हूँ। कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई भी नहीं आया, कोई रोकथाम नहीं हुई इस लड़ाई की। हमारे ब्रजपुरी का कोई आदमी नहीं है इसके अंदर, हमारे अच्छे रिलेशन है उन लोगों से, ठीक है, जो भी है ये बाहर से दंगाई। जो जितने भी हमारे पास के हिंदू भाई हैं ये इनमें से कोई भी नहीं है, ये झगड़ा कराने वाले बाहर के ही लोग हैं, क्योंकि ये सब हमारे आपस के हैं, इनसे हमारा सबसे भाईचारा है, आपस में लड़ ही नहीं सकते, बचपन से रह रहे हैं, बहुत साल हो गए। लड़ाई करवाने वाले ये बाहर से आए हैं लोग, बिना नेम प्लेट के वर्दी में पहन के आते हैं पुलिस वाले और लड़ाइयाँ, हाँ हमारे प्रदर्शन को वो करते हैं उठाने की कोशिश और वाहियात बातें करते हैं, उससे झगड़ा बढ़ाता है ये और उससे ही ये हमें आगे भी डर है कि पता नहीं क्या ना हो।